अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कॉनेंस किचन। कॉनेंस किचन में आज हम बना रहे हैं चिकन चाइनीज सूप। इसको बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी आप वो नोट डाउन कर लें। नमक लिया है मैंने 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, सफ़ेद मिर्च 1/2 चाय का चम्मच, लहसुन लिया है मैंने 4-5 जवे, 1 टेबल स्पून मक्खन है, 1 चिकन क्यूब है। चिकन क्यूब की जगह आप चिकन पाउडर भी ले सकते हैं और चाइनीज़ नमक भी ले सकते हैं। 1 गाजर ले लिए, उसको क्यूब्स में मैंने काट लिए। 1 कप मटर है, आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हरा प्याज है 4 टेबल स्पून। 1 अंडा है, 300 ग्राम मेरे पास चिकन है। चिकन है मेरे पास आधा, मेरे पास बोनलेस है और आधा हड्डी वाला है। 1 बर्तन ले लिए, उसमें मैंने चिकन डाल दिया, नमक डाल दिया, लहसुन डाल दिया। अब ये सब चीज़ें डाल के साथ ही इसमें वेजिटेबल्स भी डाल दूंगी। हमने वेजिटेबल इसके साथ इसलिए डाली है कि हमारा फ्लेवर जो है वेजिटेबल्स में भी आ जाए, चिकन का फ्लेवर। इसमें मैंने वेजिटेबल्स भी ऐड कर दी हैं और इसको जो है हम 20 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे कि चिकन हमारा फुल डन हो जाए। उतनी देर में हमारी वेजिटेबल्स भी हो जाएंगी, साथ हमारा चिकन भी हो जाएगा। हमारा यखनी तैयार हो गई है, हमारा चिकन भी डन हो गया है और हमारी ये गाजर और मटर भी हो गए हैं। अब मैं इसको ठंडा कर लूँगी और चिकन को जो है वो हड्डी से अलग करके श्रेड कर लूँगी। जी, चिकन को मैंने श्रेड कर लिया, अब बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बर्तन ले लिए, उसमें मैंने मक्खन डाल दूंगी। तो मैं इसमें चिकन डाल दूंगी, चिकन डाल के फ्राई कर लेंगे इसको। थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे कि चिकन के अंदर मक्खन का फ्लेवर आ जाए। अब मैं इसमें नमक मिर्च ऐड कर दूंगी, सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च और नमक। थोड़ा पानी ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। तकरीबन मैंने इसमें 1/4 कप पानी ऐड किया है। साथ ही बॉयल जो वेजिटेबल्स थी वो ऐड कर देंगे, हरा प्याज भी ऐड कर देंगे, फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा। माशाल्लाह से आप लुक देखें इसकी कि कितनी हसीन लुक आ रही है। तीन मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करते हुए इसमें मैं 2 टेबलस्पून मैं सोया सॉस ऐड करूंगी। सोया सॉस के बाद 2 टेबलस्पून सिरका ऐड कर दूंगी, 2 टेबलस्पून चिली सॉस। इसमें मैंने कम इसलिए सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका डाला है कि हम जब सर्व करेंगे उस टाइम डालेंगे। अब साथ ही मैं चिकन क्यूब ऐड कर दूंगी, मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें यखनी ऐड कर दूंगी जिसमें हमने अपना चिकन बॉइल किया था, मिक्स कर लेंगे और इसको बॉईल 5 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। मैंने इसमें सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस इसलिए कम ऐड की है जब आप सर्व करेंगे तो उस टाइम हम डालेंगे, अगर इसमें ज़्यादा डाल देंगे तो उसका फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा। ये बॉईल हो गया, इसको बॉईल होते हुए 5 मिनट हो गए। अब मैं आराम आराम से जो है इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर दूँगी। अगर मुझे लगेगा कि कॉर्नफ्लोर कम है तो मैं फिर इसमें और ऐड करूंगी, अदरवाइज इसमें ऐड नहीं करूंगी। इतना गाढ़ा नहीं हुआ, हमें और ज़रूरत पड़ेगी कॉर्नफ्लोर डालने की। मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड कर दूंगी कॉर्नफ्लोर और इसको मिक्स कर लूंगी और इसको हम 5 मिनट के लिए जो है इसी तरह पकाएंगे कॉर्नफ्लोर डाल के, ताकि थोड़ा ठीक हो जाए। साथ ही मेरे पास 1 अंडा फिटा हुआ है, उसको डाल के मैं साथ साथ मिक्स करती जाऊंगी। ये देखिए माशाल्लाह से आप इसकी लुक देखें, साथ साथ आपने मिक्स करते जाना, साथ साथ आपने स्लोली स्लोली अंडा डालते जाना। ये देखिए माशाल्लाह से आप इसकी लुक देखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा
और मुझे अपना कमेंट देख के बताइएगा आपको मेरी रेसिपीज जो है वो कैसी लग रही हैं। ये देखिए माशाल्लाह से, ये देखिए ये हमारा सूप जो है वो थिक हो गया। मैं इसको 2 मिनट के लिए और पकाऊंगी और इसी स्टेज पे मैं आधा चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च ऐड कर दूंगी। ये देखिए माशाल्लाह से ये हो गया हमारा, और हमें ये इतना ही थिक चाहिए था, ज़्यादा थिक नहीं करेंगे। अगर आपको ज़्यादा थिक पसंद है तो आप कॉर्नफ्लोर जो है वो थोड़ा सा और ऐड कर लें, लेकिन मुझे ये इतना ही पसंद है इसलिए मैं इसको इतना ही रखूँगी इसको। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है और मैंने इसको डिश आउट कर दी है। आप माशाल्लाह से इसकी लुक देख लें, कितना ये डिलीशियस लग रहा है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस ऐड कर देंगे। सिरका, चिली सॉस, आपने जब इसको सर्व करना हो तब भी ये तीनों चीज़ें डालें और सर्व कर दें, या साथ में ये तीनों चीज़ें सर्व कर दें। जिसको जितना डालना हो वो अपनी मर्ज़ी से डाल लें। मेरी रेसिपीज को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे तरीके से बनाइएगा, कोनैन किचन के तरीके से बनाइएगा। हमसे जुड़िएगा, हमारी हौसला अफज़ाई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।